नमस्कार, ओम शांति। बातें हमारी काम की में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम एक आदर्श व्यक्ति से ऐसे बात करेंगे जिन्होंने हमें प्यार पालना देकर बड़ा किया, यानी कि ज्ञान की बातें और ज्ञान की बातों सिखा के और कुछ सीखने की कलाएं हमारे अंदर भरी। आज हम बात करेंगे लुधियाना से सरस्वती दीदी जी, जो 1954 में उनका बर्थ हुआ, वो भी दिल्ली में, और बाल्यकाल से ही वो ब्रह्मा कुमारीज में आ चुके थे। 1972 से 1975 तक वह दिल्ली में ही सेवाएं देते रहे, और सबसे बड़ी बात है कि उनको साकार बाबा से मिलने का मौका मिला। 1976 से समर्पित रूप से वह लुधियाना में सेवाएं दे रहे हैं। उन वह एक मुख्य प्रशासिका के रूप में 4 सेवा केंद्र और 2-7 उप सेवा केंद्र, साथ ही साथ 22 गीता पाठशाला की वो सेवा कर रहे हैं। यानी कि कहने की बात यह है कि 2000 से अधिक जिज्ञासुओं को वो प्यार पालना दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर रमणीकता बहुत बड़ी है, पढ़ाई का बहुत शौक है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। साथ ही साथ वह जैसे कि सिखाने की कलाएं होती है वो उनके अंदर है। ज्यादा गहराई में बात करेंगे सीधा उनसे ही, मैंने तो आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें बताई है। आइए बात करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आदर्श सरस्वती दीदी का। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसे कि बहुत समय से आप इस ज्ञान में हैं, देखा जाए तो 1972 से, उस टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, सोचा भी नहीं था कि हम इस ज्ञान में आएंगे। उस समय से आप और बाल्यकाल से ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेवाएं दे रहे हैं, तो वो एक छोटी एज थी देखा जाए, और आजकल के छोटे बच्चे इन सब चीजों को मानते नहीं, इनफैक्ट भक्ति भी नहीं करते हैं, उनको खेल कूद या सब ऐसी बातें पसंद है। आपने क्यों ऐसा सोचा कि मैं यही एक रास्ता चुनूं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था एक बहुत, उस समय तो बहुत बड़ी संस्था एक कहलाई जाती थी कि ये क्या चीज है, ब्रह्मा कुमारी क्या है, ब्रह्मा बाबा क्या है, आपने क्यों ये रास्ता चुना? क्योंकि मुझे ये ज्ञान बचपन से ही मिल गया जी, तो बाकी बातों को सोचने का मेरे पास टाइम नहीं मिला। अच्छा। मैं सिर्फ 4 वर्ष की थी जब मुझे थोड़ा अपने को पता लगा जी। तो मेरे माता पिता ज्ञान मार्ग में चलते थे और उनके साथ मैं बाबा के घर जाती थी रजौरी गार्डन में जी। तब साकार बाबा भी वहां पर आते थे जी। तो क्लास में बैठती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और छोटी एज में ही जैसे ऐसे लगता था कि यही मेरा घर, असली घर ये है। और ये जो ज्ञान है ये मुझे किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे अंदर से पिछले जन्म का ही कोई उदय हुआ था, तो हर पॉइंट बचपन से ही क्लियर थी। कभी कोई क्वेश्चन किसी इसके बारे में हमें उठा नहीं है, किसी के भी बारे में नहीं उठा, अगर उठा भी तो गुप्त रूप में बाबा ने उत्तर साथ साथ दे दिया। और साकार बाबा से कई बार मिलना हुआ जी। साकार बाबा से मैं मिली थी, सिर्फ मैं 7 साल की थी। अच्छा। जिस समय बाबा ने मुझे वरदान दिया था कि बच्ची सेवा करेगी, झोपड़ी में बाबा ने गोद में लिया था जी, और कहा था बच्ची सेवा करेगी। अब सेवा क्या होती ये चाहे नहीं पता था, लेकिन बाबा ने उस योग्य बना दिया। अच्छा। तो साकार में जब बाबा के पास गए थे तो बाबा के साथ झूले में भी झूले, और हिस्ट्री हॉल में ऊपर पिकनिक भी की। अच्छा। बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन भी खाया, और बाबा के साथ बैठकर आइसक्रीम भी खाई जी। और फिर बाबा के साथ जब मैं बाबा के रूम में मिले, बाबा के रूम में, तो बाबा ने मुझे फ्रॉक दी, और बाकी भी बैठे थे तो बाबा के पास रिंग की एक टोकरी पड़ी थी, तो उसमें रिंग थी, तो जैसे बच्चे की नजर गई भी रिंग भी आए, तो मैंने ऐसे आंख से इशारा किया और इच्छा की कि ये मुझे मिलनी चाहिए जी। तो बाबा ने उस संकल्प को पूरा किया और मुझे रिंग पहना दी। अच्छा। तो ये बचपन की बात रही, लेकिन ये बातें मेरे को बड़े काल में बड़ा सहयोग मिला जब बड़ी उम्र हुई। अच्छा। और जब छोटी थी हिस्ट्री हॉल में बाबा जब आते थे क्लास में, तो मम्मी जल्दी सवेरे उठा कर तैयार करके, जैसे जिधर से भाइयों का गेट है हिस्ट्री हॉल में, उसके पास साथ ही बिठा देते थे। अच्छा। और बाबा दूसरे गेट से आता था। जब बाबा जब तक नहीं आते थे मुझे नींद बहुत आती थी क्योंकि छोटी थी। अच्छा। तो जो ही बाबा का पैर अंदर आता था मेरी आंख ऐसे खुल जाती थी, पूरा टाइम फिर नींद नहीं आती थी। और उस समय बाबा ने जब मुरली सुनाई
तो उस समय बाबा ने एक एक्शन करके बताया था कि बच्चे ये मक्खी आई है ना, ये 5000 वर्ष के बाद फिर आएगी। अच्छा, ये एक्शन बाकी मुरली ने मुझे याद हुई, पर ये मुझे पक्का याद रहा। और फिर जब मैं घर पर आई तो सब पूछते थे क्या सुना, तो मैं यही पॉइंट सुनाती रही। अच्छा, तो ये माना बहुत छोटेपन की बात है, जैसे अनजाने में भगवान ने वरदान दे दिए। तो मैं तो यही मानती हूँ कि ये भगवान क्यों है, क्योंकि जिसने अनजान बच्चे के अंदर जो शब्द बोले वो बड़ी आयु तक कायम रहे, तो ये उसी की ही शक्ति है और किसी की शक्ति नहीं हो सकती। तो जब मैं और बड़ी हुई तो पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मैं सेंटर पर आई, फिर मैं पार्टी लेकर के जब मधुबन आई जी, तो बाबा ने थोड़ा सा उस समय मुझे संकल्प था कि ब्रह्मा बाबा चले गए तो अब क्या होगा। तो जो ही मैं बाबा के पास जब गई थी मिलने के लिए, तो बहुत थोड़े से बच्चे मिलते थे हिस्ट्री हाल में जी, और मनमोहिनी दीदी साथ होते थे जी जी। तो बाबा ने उस समय मुझे देखते ही कहा, बच्ची सेवा पर आ गई हो ना जी। तो मुझे क्या लगा उस समय कि ये तो वही ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, क्योंकि झोपड़ी में जब बाबा ने मुझे ये कहा था तो गुलजार दादी वहां नहीं थी। ओ, बहुत बड़ी बात। तो भी ये किसने कहा, पहले भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों थे ना, तो अभी भी उन्होंने ही कहा कि बच्ची सेवा पर आ गई हो ना, तो याद कराया। क्या बात है। दूसरी बात ये थी कि जब समर्पण समारोह होना था हमारा, तो रुक्मणी दादी का भी काफी प्यार था हमारे जी, से जी, जी। तो दादी ने प्रकाशमणि दादी को कहा, हमारे पास दो रिंग थी, तो एक रिंग बाबा इसको पहनाएगा और ये बाबा को पहनाएगी, अव्यक्त बाबा ने आना था तब जी, समर्पण के टाइम जी। तो दादी ने कहा नहीं, ये नहीं पहनाएगी, बाबा नहीं पहनाएगा, ये पहनाएगी बाबा को। क्या तो मैंने कहा ये कैसे हो गया भाई, बाबा मुझे क्यों नहीं पहनाएगा, उस थोड़ा सा क्वेश्चन चला था दिमाग में। तो जो ही मैं बाबा के सामने गई तो बाबा ने क्या बोला, बच्ची रिंग तो पहले से ही पहन ली थी। माना वो सीन सामने आया जो बचपन में बाबा ने बताया था, रिंग मुझे पहना दी थी, अब तो मेरी बारी थी ना पहनाने की, तो रिंग सेरेमनी तब हो गई थी। इतनी खुशी हुई होगी आपको उस समय। बाबा जैसे जो साकार में बाबा थे वो अव्यक्त रूप में साथ साथ अनुभव होते रहे, तो निश्चय जो है वो बढ़ता गया। तो और इधर उधर देखने की तो जरूरत ही नहीं थी, कोई क्वेश्चन तो उठते नहीं थे, क्योंकि बचपन से ही ये ज्ञान की चर्चा करना सुनाना ये मुझे बचपन से ही शौक था। मैंने स्पेशल साइकिल सीखा था छोटे होते, कि जहाँ प्रदर्शनी लगेगी वहां प्रदर्शनी समझाने जाना है, तो मैं 8th में पढ़ती थी, 7th में पढ़ती थी, तो प्रदर्शनी भी समझाती थी। और उससे भी छोटी तब थी तो जो क्लास में देखती थी भोग लगाते थे, तो जो भोग की एक्शन होती थी ना मैं घर में करती थी, आर्टिफिशियली होती थी। मैंने कहा ना भोग लगना है शाम को, सफेद चादर बिछाओ टेबल पर भी, भोग लगाओ फिर भोग खाएंगे, फिर मैंने आंख बंद करनी ऐसे झटका लगाना, और वो लाल लाल जो दिखना ना आंख बंद होने के लिए, तो यहाँ लाल बाबा बैठा है उसे भोग स्वीकार किया, भोग खाओ। तो मना जो भी आश्रम की जो एक्टिविटी थी ना मुझे अच्छी लगती थी, और बहनों का प्यार इतना था या आश्रम के वाइब्रेशन इतने पावरफुल थे, मुझे लौकिक घर और इस अलौकिक घर में कोई अंतर नहीं लगता था। छोटी होते भी स्कूल जाती थी, तो कई बार स्कूल से जब मैं लौटती थी, कई बार मैं सेंटर पर पहुंच जाती थी, कई बार घर जाती थी, और कई बार सीधा सेंटर पर ही उसी ड्रेस में आके वहीं पर रेस्ट करना, भोजन खाना और शाम को घर जाना, तो ऐसे लगता था कि मेरे दोनों ही घर मेरे अपने हैं। तो मुझे शुरू से ही ये बाबा का घर मधुबन या सेंटर, मुझे ऐसे लगता रहा ये मेरा पिछले जन्म से जैसे मेरा घर है। तो फिर दुनिया की तरफ तो देखने का या भक्ति का या कोई क्वेश्चन ऐसा प्रश्न ही नहीं था, लेकिन सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे आपने कहा कि आपका परिवार भी चलता था, आपने ऐसा कहा, लेकिन जब आप पक्के हो गए, आपको ये सब चीजें हुई, क्या उनका एक बार भी उनका आपके प्रति कोई प्रश्न नहीं हुआ कि तुम्हें ऐसा कैसे हुआ, तो हमें तो कभी नहीं हुआ, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं आई? ज्ञान की चर्चा उनके साथ ऐसे करती थी जैसे मुझे पहले से आती है, तो किसी ने मुझे सुनाया नहीं, ना घर परिवार वालों ने, ना यज्ञ में। मैंने कोर्स नहीं किया, पर कोर्स कराना शुरू किया। प्रदर्शनी नहीं समझी किसी से, लेकिन प्रदर्शनी
समझानी शुरू कर दी। छोटी थी तो मम्मा को कहती थी, तब आलूंडर दादी थे उधर, कि आप दादी को बोलो ना मेरी बेटी ने समझानी है प्रदर्शनी। तो अच्छा। फिर वो सिखाते थे, जब गुप्त रूप में देखते थे कि ठीक समझा रही है, फिर ग्रुप देते थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो इस तरीके से मना बाबा के घर में मुझे एक अपनी अपनेपन की फीलिंग शुरू से आती रही। तो बाहर की दुनिया को तो देखने का, सोचने का या भक्ति का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि आपने दादी रुक्मणी और दादी सुदेश दीदी की भी आपने पालना, दीदी की पालना मिली, क्योंकि राजौरी गार्डन, राजौरी गार्डन बचपन से बचपन से उनके साथ ही पली। तो दादी की क्या विशेष ऐसी बात थी जो आपको एकदम टच कर गई और आपने उसको ग्रहण कर लिया? कोई दादी की हर बात मुझे अच्छी लगती थी। अच्छा। एक दादी का स्वभाव इतना था पालना का। अच्छा। और दादी अगर शिक्षा भी देती थी, अगर आंख भी दिखाती थी, कभी कभी डांट भी लगा देते थे, तो पर उनकी वो डांट भी बहुत प्यारी लगती थी। और दादी फिर इतना प्यार देती थी कि सब कुछ भूल जाता था। और सुदेश दीदी की पालना तो बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे लौकिक में हमारा कोई रिलेशन हो। तो वो जैसे अपनेपन की फीलिंग उनसे बिल्कुल आती रही सुदेश दीदी से। उन्होंने मुझे, मैं जब कभी कभी थोड़ी बड़ी हुई तो आश्रम पर रहना शुरू किया जी। तो वो मेरे को कहते थे तुम एक सेवा दे, मैंने कहा हाँ जी। तो उनको सवेरे 3 बजे का योग करना बहुत अच्छा लगता था सुदेश दीदी को। उन्होंने कहा तुम मुझे 3 बजे चाय दोगी सुबह? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ जी। तो उनके साथ मुझे 3 बजे का योग करने का अभ्यास हो गया और वो आज तक चल रहा है। क्या बात है। तो बड़ों की सेवा में मना इतनी पावर होती है। तो दादी की भी पालना, एक दो बार मैं बीमार हुई तो दादी ने मेरे को पालना ऐसे की जिसको मैं भूल नहीं सकती कभी भी। माँ से भी बढ़कर उन्होंने मुझे पालना देकर बीमारी के रूप में मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, जैसे कि दूसरा नया जन्म दिया हो। तो इसलिए उनके प्यार को भी नहीं भूल सकते। और सुदेश दीदी ने अपनेपन की बहुत अनुभूति कराई जिससे कि मेरा फाउंडेशन पक्का हो गया। और उसके बाद तो ड्रामानुसार पहले सेवा पर सब जगह जाते ही थे। तो छोटे होते भी एक बार सुदेश दीदी को मैंने कहा, जब मैं 8th में पढ़ती थी, मैंने तो समर्पित होना है, मुझे पढ़ना अच्छा, नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने मनमोहिनी दीदी को कहा, तो मनमोहिनी दीदी ने कहा इसको चंद्रमणि दादी के पास भेज दो। तो मैं 8th में पढ़ती थी। अरे वाह। और जब मैं घर पर आई तो सबने फिर प्रेशर डाला कि नहीं थोड़ा तो पढ़ाई होना चाहिए, बहुत छोटी है। अच्छा। तो हाई स्कूल कर लिया। 3 साल दिल्ली में भी सेवा की। अच्छा, सुदेश दीदी अच्छा। के साथ, रुक्मणी दादी के साथ। उसके बाद ड्रामा प्लान अनुसार जो उनके शब्द थे उस शब्द के आधार से फिर मुझे पंजाब भी आना पड़ा। वो शब्द क्या थे? तो दीदी ने कहा चंद्रमणि के पास भेजो। चंद्रमणि दीदी हेड थे ना पंजाब के, तब तो मैं छोटी थी। पर वरदान उस समय मिल गया था। क्या बात है। तो दादियों के भी प्यार और पालना जो है बहुत अधिक रही, जिससे कि उनके नजदीक भी बहुत रहे। दादी भी बहुत प्यार देती थी, मनमोहिनी दीदी भी बहुत प्यार देती जी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बुजुर्ग होते जाते हैं, जैसे हमारी दादियाँ और आप भी अपनी अवस्था को ऊपर उभर रहे थे, लेकिन जैसे मतलब होता है एक शरीर छोड़ना, घर में भी शरीर छोड़ते, हाय अब घर कैसे चलेगा, कौन ये सब संभालेगा, क्या उस समय आपके मन में ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि अभी देखा जाए तो 4 सेवा केंद्र हैं, 7 उपसेवा केंद्र हैं, 22 गीता पाठशालाएं मुख्य प्रशासिका के रूप में आप संभाल रहे हैं, तो कभी ऐसा कोई हुआ कि सहज तरीके से आप कार्य कर? आराम, सहज तरीके से, क्योंकि राज दीदी की पालना भी बहुत बढ़ चढ़ करके थी जी। उन्होंने ऐसे पालना दी जैसे उनकी छोटी बहन हो जी। तो वो हर काम में मुझे उमंग उत्साह देते थे, आगे रखते थे। यहाँ तक कि बाबा की यक्ति भंडारी भी मुझे शुरू से ही उन्होंने सौंप दी थी कि आपने करना है, और यज्ञ का अकाउंट भी मुझे शुरू से ही दे दिया था। तो जब यज्ञ अकाउंट में सीख रही थी, उसके बाद ये कंप्यूटर का आया, तो मैंने तो कंप्यूटर सीखा नहीं था। तो मैंने राज दीदी से कहा कि अब तो आप अकाउंट और किसी को दे दीजिए, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है, तो अकाउंट और कोई बनाएगा ना अब? तो कहते नहीं आपको बनाना है। मैंने कहा ये खराब हो जाएगा, मेरे से आता नहीं है। तो उन्होंने कहा 10 कंप्यूटर ला के रखूंगी, आप डस्टबिन में फेंक देना, पर सीखना आपको है। क्या मतलब भाव ये कि उनके अंदर इतना
उमंग उत्साह से हर फील्ड में मुझे आगे किया, तो कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात, अभी ये भवन जब बना तभी भंडारी तो मेरे हाथ में जी बिल्कुल। तो दीदी का अनुभव ये था कि जितना कोई जैसे रात को मांगता था कि इतना आज इसके लिए चाहिए, दिन में उतना ही पहले हाथ में आया हुआ होता था, तो कभी सोचने की दरकार नहीं। तो उनकी छत्र छाया में या उनके योग और तपस्या के बल से ये सारे कार्य बड़े सहज सहज हुए और मैं उनके साथ थी, तो ऐसे लगा ही नहीं कि कभी चिंता हो, कभी कुछ ऐसे हो। लास्ट में भी दीदी मुझे यही कह के गए कि विश्व शांति सदन ऐसे बना है जैसे कि शिव बाबा ने परम धाम से उतार कर हमको ये गिफ्ट दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो उनके संग रहने से वो भी निश्चिंत रहते थे और किसी चीज की ऐसी कभी कमी नहीं आई, और भाई बहनों का सहयोग भी उनके होते भी आता रहा और अभी भी भाई बहनों का सहयोग वैसा ही है, तो जैसे कि अभी भी वही चला रहे हो और वही भाई बहनों को मोटिवेट कर रहे हैं और ये कार्य चल रहा है, ऐसा अनुभव होता है तो चिंता कभी लगती है। कभी भी। अच्छा दीदी, एक बात ये है जैसे कि इस ज्ञान में महिलाएं चलती हैं, माताएं चलती हैं, पहले के समय में ऐसा होता था कि इस ज्ञान में चलते लेकिन परिवार सहयोग नहीं देता था, क्या अभी भी ऐसा है? और ऐसा है तो आप माताओं को कैसे उमंग उत्साह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं बाबा संभालेगा, या किस तरह से वो आगे बढ़ी हैं वो माताएं? माताएं बहनों का तो वैसे भी बाबा से नेचुरल भी देखा गया प्यार है जी, और जो भी मुझे माताएं यहाँ मिलती हैं उन सबके ये अनुभव होते हैं जी कि हम किस तरीके से बाबा के यज्ञ में करते हैं और हम सेफ हो जाते हैं जी। एक माता ने अपने प्यार से कुछ ज्वेलरी एक बार बाबा के घर में भेजी। अच्छा, तो पीछे से उसको ये था कि शायद घर और परिवार वाले कुछ बोलेंगे, तो उन्हीं दिनों में उनके घर में कुछ चोरी हो गई जी। तो कहते उसे में वो शामिल हो गया। क्या बात है, वो भी चोरी में चला गया, लेकिन तो बाबा ने किया ना, मेरे लिए अच्छी चोरी कराई थी, तो कहा वो कोई पूछने वाला ही नहीं था कि तुमने यज्ञ में कुछ दिया। मतलब यहाँ की जो माताएं बहने बहुत अच्छी है और उनको अनुभव है, चाहे वो बंदेली रूप में भी रही है तो उन्होंने अपने बंदेली रूप के जो पाठ बजाए पहले वाली माताओं ने, उन्होंने जो नई आने वाली माताएं हैं उनको मोटिवेट कर दिया। तो अभी तो कोई ऐसी माताएं है नहीं जिनको कुछ ऐसा बंधन हो या कुछ ऐसी बात वो लेके आए, बहुत कम एक दो है और वो उमंग उत्साह से ही चल रही है और अपना बीज वो अपने हिसाब से बोती रहती है। और उनको हम कहते हैं कि आप फिक्र नहीं करो, आपका तो एक पैसा भी लाख के बराबर है क्योंकि आप अपने में से निकाल करके बाबा को दे। बहुत अच्छी बात है, तो उनमें उमंग उत्साह बना रहता है जी। दीदी जैसे कि हम सभी जिज्ञासुओं से मिले और सेंटर की बहनों से मिले, उन्होंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक गुण मुहूर्त कहा है कि आप रमणीकता की बहुत अच्छी मुहूर्त है, रमणीकता आपके अंदर बहुत अच्छी है, तो ये गुण हम अपने अंदर कैसे लाएं, हमें भी थोड़ी सीख सी इसकी एक आधा। ये गुण तो एक नेचुरल होता है वैसे जी, तो ना जी। और जितना हम अपने को बाबा पर निश्चय रख के चलते हैं और बाबा की मदद का जितना हम अनुभव करते हैं उससे हमारे अंदर रमणीकता बढ़ती जाती है और बाबा की मदद मिलती है। मैंने ये अनुभव किया कि बड़ों के आगे जब हम हाजी हाजी करते हैं तो जो कला हमारे अंदर नहीं होती वो भर जाती है। अच्छा। और जब वो कला हमारे अंदर ऑटोमेटिकली भर जाती है उससे खुशी होती है, उसमें रमणीकता ऑटोमेटिकली आ जाती है। और बाबा से कई बार रमणीक रिलेशन भी मैं अनुभव करती हूँ। एक बार किसी पाठशाला में ऐसे ही सेवा के लिए गए, वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा थी तो मेरे को टेम्परेचर हो गया, तो मैंने बाबा को कहा बाबा आप बाप हो ना तो आप मेरे को लीची खानी है क्योंकि घबराहट हो रही है। आप मानेंगे थोड़ी देर के बाद कुछ माताएं, पहले फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, आइस बॉक्स थे उसमें बर्फ डाल देते थे और उसमें हम चीजें डाल देते, वो माता वो लीची लेके आई 4 बजे के टाइम। क्या बात है, दोपहर को जून का महीना वो कोर्स करने आ रही थी, तो मैंने कहा बाबा आप धूप में कैसे ले आई। तो ऐसे जैसे बाबा से रमणीक बातें और रिलेशन की भी अनुभूतियां काफी है मुझे। अपने आपको पहले बाबा का एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, है ना, कि रिलेशन बनाया, कोई भी रिलेशन बनाएंगे तब वो हमारे रमणीक आ जाएगा, उसमें रमणीक तक अनुभूति होती है। जब मैं छोटी थी तब भी मैं जब मुरली पढ़ती थी, जैसे दीदियां कहते थे मुरली पढ़ना जरूरी है, तो मैं चाहे एक पेज पढ़ती थी और मुरली पढ़ के जब मैं स्कूल जाती थी
तो मेरे को सबसे रेस्पेक्ट मिलता था। और जिस दिन मैं मुरली भूल जाती थी उस दिन कोई ना कोई फ्रेंड से कोई टक्कर होनी चाहे मैडम से भी थप्पड़ खाना पड़ता था। फिर मैं कहती थी बाबा तेरी मुरली पढ़ने में इतना फायदा है। मैं मुरली कभी भूलती थी, रात को अपनी किताब में मुरली को रख के फिर सोती थी। फिर बाबा को कहती थी देखो मैंने सुबह का योग भी किया है, मुरली भी पढ़ी ना, अब जब पेपर होगा तो जो मैं याद करूंगी वही आना चाहिए। तो वैसा ही होता था ज्यादातर परसेंटेज में। तो बाबा के साथ रमणीक रिलेशन प्यार जैसे लेने से भी हमारे अंदर रमणीकता आ जाती है। अच्छी बात है, बहुत। और बाबा से ऐसे बातें करते जैसे हम आमने सामने हो। क्या बात है। तो जैसे आजकल के जो लोग हैं, जो यूथ है, उनको आध्यात्मिकता की तरफ कैसे लेके आए, मतलब राजयोग मेडिटेशन से कैसे जोड़े। जैसे हम एज है, हमारी एज के बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम भी कभी गांव जाते हैं, कहीं शहर जाते हैं, हमें हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें बताते भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन उसको उनको उस ज्ञान से आध्यात्मिकता की तरफ कैसे जोड़ें। पहले तो उनकी लाइफ का मैं महत्व बताती हूँ कि आपको भगवान ने ये गोल्डन पीरियड वाली लाइफ दी है, तो आप इसको अपने लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी आप इसको बहुत गोल्डन बना सकते हो। तो आप अपने उनका स्वमान याद कराना या बाबा की तरफ से कोई भी पॉइंट ऐसी मुरली के लेकर के यूथ से संबंधित उनको वो थोड़ी मोटिवेशन के लिए देनी, तो उससे उनमें उत्साह आ जाता था, स्वमान आ जाता है कि हनुमान और अंगद ने कितनी शक्ति दिखाई भगवान के लिए, तो आप भी तो वही हो। तो ऐसे उनमें उमंग उत्साह की कुछ बातें बताते हैं। तो पहले एक ज्ञान की बात तो बाद में करेंगे, पहले उनकी एज के हिसाब से उन्हें उमंग उत्साह बना जाएगा, फिर उस हिसाब से रिकॉर्डिंग देख करके कोई बात ऐसी है तो उनको एक कहानी के हिसाब से या फिर कोई दोहे के हिसाब से या कोई कहावत के हिसाब से उनकी तरफ की वो बात बता देनी, तो उनको वो अच्छी लगनी। अच्छी लगती है। उसके बाद ज्ञान की बात कुछ बतानी। क्या बात। पहले उनकी लाइफ का महत्व बताना, तो उससे उनमें उत्साह आ जाता है यूथ में भी। बहुत अच्छा दीदी, आज मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी और अपने जीवन को सफलता के कार्य में और बढ़ाते हुए लेकिन आध्यात्मिकता साथ लेते हुए। दीदी जी आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जो बातें हमें साथ में लेकर चलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों हमें सबसे बड़ी बात ये सीखने को मिलती है कि हमारे आदर्श, उनकी सेवाएं, उनकी कहना, उनकी बातें, उनको सोच समझ के उनके साथ रहकर चलेंगे और उनकी हर एक आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ परमात्मा के साथ एक रिलेशन जरूर होना चाहिए। परमात्मा को मिसयूज, मतलब मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए ऐसा नहीं, उसको एक रिलेशन जरूर बनाना है हमें, चाहे वो कोई भी रिलेशन बनाए लेकिन बनाकर जरूर चलना है। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार होकर ही रहेगी। अगली कड़ी में फिर से एक आदर्श के साथ मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।